हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, और ये है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पार्ट टू। दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की इस क्लास में आज हम बात करेंगे ऑल पॉसिबल केसेस ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज बिलोंगिंग टू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इसी से बनते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। आप कभी भी देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कोई भी ऑपरेशन बहुत परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ इक्वेशंस दूंगा और उसको सॉल्व करके देखिएगा बिना मेरे मेथड को समझे, और देखेंगे आप कि आपके ज़्यादातर आंसर्स गलत होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले है प्रीफिक्स ऑपरेटर। जैसा कि प्रीफिक्स ऑपरेटर में होता है इंक्रीमेंट x बाय 1 देन यूज द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये कि हम जब भी इन प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो भी वैल्यू हमें मिली हुई होती है x की पहले से, सपोज हमें x की वैल्यू मिली है 0, तो 0 में पहले 1 का इंक्रीमेंट होगा, ये 1 मेमोरी में जाकर के सेव होगा और उसके बाद इस वैल्यू को यूज किया जाएगा। ओके, यानी कि 0 इंक्रीमेंट होकर के 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो गई, अब ये वैल्यू जो 1 है ये यूज होगी। ओके, लेकिन पोस्टफिक्स ऑपरेशन में क्या होता है, पोस्टफिक्स ऑपरेशन में जो भी वैल्यू हमें मिली हुई होती है, सपोज हमें x की वैल्यू मिली है 0, तो पहले ये 0 यूज होगा। ओके, अगर हमें x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है किसी इक्वेशन में, तो पहले ये वैल्यू जो x है वो यूज होगा, और यूज हो जाने के बाद में इंक्रीमेंट होगा, और वो जो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी वो जाकर के मेमोरी में सेव होगी। ओके, सेम एज डिक्रीमेंट के साथ भी होता है, डिक्रीमेंट x बाय 1 देन यूज द x वैल्यू, एंड पोस्टफिक्स ऑपरेशन में यूज द वैल्यू ऑफ x देन डिक्रीमेंटेड बाय द वैल्यू, मतलब सेम जैसे कि इंक्रीमेंट के लिए करते हैं उसका ही अपोजिट डिक्रीमेंट के लिए करते हैं। ओके, इस चीज को मैं आपको पहले एक एग्जांपल से भी बता देता हूँ, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम पोस्ट इंक्रीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर x, अगर हमारी वैल्यू x और y की 0-0 हमने इनिशियली ले ली है, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्लस x प्लस प्लस, ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है। ओके, तो y की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास में, y की इनिशियल वैल्यू है 0। ओके, और मैंने कहा था कि पोस्ट इंक्रीमेंट में, और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक एक्सेप्शनल केस होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। ओके, तो पहले वैल्यू असाइंड होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। वैल्यू पहले असाइंड हुई, एक्स की वैल्यू क्या है 0, एक्स की वैल्यू 0 है, इक्वेशन में ये एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ओके, एक्स यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई, उसके बाद एक्स में इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू हो गई 1। ओके, नेक्स्ट प्लस प्लस के बाद एक्स प्लस प्लस, यहाँ पर एक्स जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी 1, 1 में 1, ये 1 यूज हो जाएगा। ओके, अब एक्स की वैल्यू, फिर क्योंकि हमने बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, ये 1 क्या हो गया 2। ओके, तो एक्स की फाइनल वैल्यू है 2, लेकिन इस इक्वेशन की आउटपुट वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इस इक्वेशन का आउटपुट आएगा 0। वाई, जैसे कि मैंने बताया था पहले वैल्यू यूज होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो आप जब इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट 0 आ रहा है। मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें उन लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताया है, और आउटपुट किसी का 1 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, और किसी का कुछ और आ रहा है, मैं वीडियोस के नाम नहीं लूंगा, वो प्लीज़ इस चीज़ को ठीक करें, गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को ना दें। ओके, अब यहाँ तक हम देख चुके हैं आउटपुट हमारा 0 आ चुका है, यानी कि वाई में इस इक्वेशन का आउटपुट आएगा जो आएगा वो जो है 0 है। लेकिन अब इस इक्वेशन को ख़त्म करने के बाद अगर हम वाई की वैल्यू प्रिंट, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराएं, लेकिन अब करंटली एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, अगर हमें ये प्रिंट कराना है, एक्स की वैल्यू फाइनल हो चुकी है 2। ओके, अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमें, ये वाली बात शायद बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब इस बात को एक फाइनल नोट की तरह सुन लें कि कभी भी इस तरह का ऑपरेशन होगा और पोस्ट इंक्रीमेंट होगा,
तो पोस्ट इंक्रीमेंट करते समय हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वही पूरी इक्वेशन में यूज होगी और इक्वेशन खत्म हो जाने के बाद ही उस वैल्यू में अपडेशन होगा। जो फाइनल वैल्यू जो भी आए, चाहे 10 बार हो, चाहे 5 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, जितनी बार भी इंक्रीमेंट हो, इट डजंट मैटर, लेकिन वो इक्वेशन खत्म हो जाने के बाद ही होगा। अभी जो इनिशियल वैल्यू हमें मिली है पूरी इक्वेशन में वही वैल्यू यूज होगी। ये बात बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को कि हमें जो इनिशियल वैल्यू मिली है वही इनिशियल वैल्यू पूरी इक्वेशन में यूज होगी, भले चाहे ये बीच में कितनी बार भी चेंज हो लेकिन वैल्यू यही यूज होगी। जो फाइनल वैल्यू आएगी वो फिर दूसरे टाइम में यूज हो सकती है, ओके, अपडेट होकर के, लेकिन इस इक्वेशन के लिए यही वैल्यू यूज होगी जो हमें मिली है, ओके। अब बात कर लेते हैं प्री इंक्रीमेंट के बारे में। प्री इंक्रीमेंट सिंपल है दोस्तों, इसके साथ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद वैल्यू यूज होती है। तो x की वैल्यू हमें जो मिली थी वो क्या थी, x की वैल्यू हमें 0 मिली थी, 0 में इंक्रीमेंट हुआ। ये जो ऊपर मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं, और नीचे वैल्यू जो फाइनल असाइंड होती है वो है। तो y की वैल्यू x प्लस प्लस x, x की वैल्यू क्या थी 0, 0 में इंक्रीमेंट हुआ 1 हो गया, ओके। प्लस करते हैं, फिर से आ गया प्लस प्लस x, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, 1 में इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया। नाउ 2 की फाइनल वैल्यू, सॉरी x की फाइनल वैल्यू क्या है 2। तो अब यहां पर प्री इंक्रीमेंट के लिए जो हमारी फाइनल वैल्यू होती है, ओके, वो इस पूरी इक्वेशन में यूज होगी। बहुत ही ध्यान से समझिए, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हुआ था, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो पूरी इक्वेशन में यूज हो रही थी, लेकिन प्री इंक्रीमेंट में जो हमारी फाइनल वैल्यू है x की, वो सारे x की जगह पर यूज होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2, ओके, x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा 4। अभी मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तो इसको एक प्रोग्राम से देख लेते हैं और इसके साथ साथ जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं हम उनको भी देख लेते हैं और सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं, ओके। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच यूनियन डॉट एच पॉइंट मेन। एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यू हमने 0 0 ले लिया है, क्लियर स्क्रीन लगा लिया है, और वही ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है पोस्ट इंक्रीमेंट, ओके, वाई प्लस 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 वाई प्लस प्लस, और हमने एक्स की वैल्यू असाइन करा दी है, वाई का जो आउटपुट आएगा उसकी वैल्यू हमने एक्स में असाइन करा दी है, ठीक है। इसको रन करा के देख लेते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा था आउटपुट है 0 और x की अपडेटेड वैल्यू क्या हो चुकी है 2। इसको और एक बार फिर से करके देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जैसे कि मैंने बताया था x y की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पर पहले होगी 1, पहले वैल्यू असाइंड होगी, फिर इंक्रीमेंट होगी और फिर वो जाएगी y प्लस प्लस दूसरे वाले के पास में, एंड देन ओके। इसको अपडेट करके देख लेते हैं, y की जगह हम वैल्यू 2 ले लेते हैं और हमारा आउटपुट मेरे हिसाब से तो आना चाहिए 4, एंड x की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जानी चाहिए 4। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं, ओके, फाइन। अब इसको और अपडेट करके देख लेते हैं, 5 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 एंड 5 10 एंड 5 दो बार इंक्रीमेंट हो रहा है 7। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं 10 से। सो आई होप आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब समझ लेते हैं प्री इंक्रीमेंट को, और बाकी का प्रोग्राम हमारा सेम है, बस हमने यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट को प्री इंक्रीमेंट में चेंज कर दिया, यानी कि वाई प्लस प्लस की जगह पर प्लस प्लस वाई कर दिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि वाई प्लस प्लस यानी कि प्री इंक्रीमेंट में मैंने दोस्तों बताया था कि वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, ओके, पहले वैल्यू इंक्रीज होती है फिर मेमोरी में असाइंड होती है, ओके। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू है हमारी 0, पहले इंक्रीज होकर के वो हो जाएगी 1, मेमोरी में असाइंड होगा 1, ओके। नेक्स्ट वाई प्लस प्लस, प्लस के बाद वाई प्लस प्लस आया, अब इसके पास जब वैल्यू जाएगी वो होगी 1, 1 इंक्रीज होकर के हो जाएगी 2 और फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 4। मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्री इंक्रीमेंट में कोई भी इक्वेशन में जब ऑपरेशन होता है हमारी जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होती है वही अपडेटेड वैल्यू पूरी इक्वेशन में यूज होती है, और जैसा कि आपने देखा अभी इसका आंसर आया था 4। और इसी तरह से
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते थे मैंने 2-3 आगे ट्राई किए हैं आपको दिखाने के लिए। इसके अलावा अब आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से आपको एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किन इक्वेशंस को लगा करके देखना है। आप पहले x प्लस 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 एक्स प्लस 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 एक्स प्लस प्लस और इसके साथ में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे उनको बना करके देखिए और इसी तरह से आप बाकी के प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के सारे ऑपरेशंस ट्राई करके समझ सकते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है इक्वेशंस में। और अगर आप मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप इस इन ऑपरेटर्स की इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रोग्रामिंग। Thank you.